Hey everyone, welcome to our channel. I am your host Aman and you are watching Top Gear Extreme. So हम आपके लिए आज लेके आए महिंद्रा XUV 300. So इसके ओनर से आप काफी बार मिल चुके होंगे पहले भी काफी वीडियो में. So एक बार हमको बुलाना चाहेंगे हम भाई को. भाई एक बार आ पाए. So कैसे हो मेरे भाई? भाई एक बार अपने हमारी न्यू ऑडियंस को अपना नाम बता दो. मेरा नाम अभिषेक है. मैं पहले अमन भाई के साथ आ चुका हूँ. अपनी दो गाड़ियाँ करवाई है मैंने रिव्यू, एक वैगनआर और एक होंडा हाइनेस. सो भाई जो आपकी कार है कौन सी ईयर की परचेज है? ये 2019 की है परचेज. 2019 कितनी चल चुकी है अभी तक? ये 5700 के आसपास. 5700 बस इतनी चलाई अभी तक? दो साल लॉकडाउन था, कहाँ लेके जाता हूँ वैसे. सो पेट्रोल डीजल? पेट्रोल मॉडल. पेट्रोल. सो ये कौन सा है पेट्रोल का मॉडल, वेरिएंट कौन सा? W4. ठीक है, तो आपने ये W4 ही क्यों लिया अभी तक? दो रीजन थे. एक तो थोड़ा बजट कॉन्स्ट्रेंट था, इतना ऊपर जाना नहीं था, फिर भी इतना खींच दिया. और इसके ऊपर वाला मॉडल 1,00,000 रुपए महंगा था. अच्छा. सेकंडली इसमें बेस मॉडल में जितने फीचर आते हैं मेरे लिए वो सफिशिएंट थे. इसके ऊपर मुझे नीड भी नहीं थी किसी चीज की. ठीक है. एक आधी कोई चीज थी वो मैंने बाहर से लगवा ली थी. ओके. सो अभी तक आप खुश है बेस मॉडल से? हाँ बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल खुश. तो मतलब आपने इसमें लगाया क्या क्या ऊपर से जो कंपनी ने नहीं दिया था आपको? जो बेस मॉडल में उस टाइम पे नहीं आता था वो एक था फॉग लैम्प, हालांकि वो अभी भी नहीं आता. ठीक है, तो एक फॉग लैम्प हो गया. एक इसमें जो एलईडी लाइट थी मैंने शोरूम से लगवाई थी. बिल्कुल, ये डीआरएल एलईडी वाली है, शोरूम वाली नहीं है. हाँ, ये शोरूम से चेंज करवाई थी. ठीक है, एक अंदर स्टीरियो है सोनी का और सोनी के स्पीकर है. ठीक है, तो वो सारा आपने कंपनी से ही लगाया. तो उसका कोई पैकेज था या कुछ क्या था? उस टाइम पे चल रहा था 30,000+ का. इसमें पीछे पार्सल ट्रे भी थी उसी 30,000 के अंदर. पार्सल ट्रे भी थी और ये मट फ्लैप वगैरह जो नॉर्मल होते हैं और वो हो गए मैट वगैरह. ठीक है, तो आपको पैकेज के साथ मिला के ऑन रोड कितने की पड़ी थी गाड़ी दिल्ली में? ये ऑलमोस्ट 9,00,000 की पड़ी थी. 9,00,000. तो आपको लगता है 9,00,000 के वर्थ है कार या नहीं? हाँ बिल्कुल वर्थ है सर, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कार आ रही है 9,00,000 रुपए में जितनी आ रही है. आजकल तो i10 भी आती है 9,00,000 तक की, टॉप मॉडल जाओगे तो. ठीक है, उस हिसाब से आएगा इट्स वेरी गुड कार, मतलब गुड इनफ. आप इसे एसयूवी की तरह देखोगे तो एसयूवी नहीं तो हैचबैक की तरह भी यूज कर सकते. इतनी भी कोई इतना बड़ा नहीं है इसका साइज. सब 4 मीटर या 4 ही मीटर में आती है i20 वगैरह सब. इट्स गुड कार. तो आपको 9,00,000 खर्च करते हुए ये नहीं लगा यार ये तो अलॉय नहीं दे रहे गाड़ी के अंदर, तो आपको कुछ लगा नहीं अलग सा? अलॉय का तो नहीं, पर हाँ व्हील कवर वगैरह का मुझे दुख हो गया. 9,00,000 खर्च करे थे, व्हील कवर वगैरह तो होने चाहिए थे. कम से कम व्हील कवर तो होते हैं. ब्लैक स्प्रे अभी इसमें करवाना पड़ेगा या व्हील कवर लगाना पड़ेगा कुछ भी? तो आपने अपग्रेड करने का सोचा टायर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलॉय लगवा लेते हैं इसमें, बट वही लॉकडाउन इन्हीं टायरों में या टायर एक साइज बड़ा करेंगे? मैं इसी टायर में लगवाऊंगा. ठीक है, तो ये कितने साइज? 205/65R16. तो आप 16 इंच में रखना चाहेंगे? हाँ मैं 16 में रखना चाहूंगा. तो जैसे कि अभिषेक ने बताया कि 16 इंच के एलॉय लगाएंगे, क्योंकि जैसा ये 5-6 हज़ार चला चुके हैं तो अगर इसको आफ्टर मार्केट सेल करने जाएंगे तो काफी कम इसका रेट मिलेगा टायरों का. तो उनने यही सही अच्छा सोचा, डिसीजन लिया है कि इसमें एलॉय लगा के इसको यूज कराया जाए. तो अभिषेक जैसा आपने इसमें एलॉय अपग्रेड करने का सोचा है, तो और क्या क्या सोचा आपने गाड़ी के अंदर अपग्रेड करने के लिए अभी बेस मॉडल को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए? अभी तो इसमें सीट कवर्स मैंने नहीं लगवाए थे, सीट कवर्स मुझे लगवाने हैं. ठीक है, 3D मैट होता है, 70 मैट लगवाने हैं इसमें मुझे. ठीक है, और सिस्टम को थोड़ा सा और अपग्रेड कराऊंगा क्योंकि इसमें बेस की थोड़ी सी कमी है. ठीक है, और जो है इसमें अलॉय व्हील्स हो गई, रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स भी टॉप मॉडल में आते हैं, रूफ रेल्स भी अच्छे लगते हैं, तो रूफ रेल्स भी मैं सोच रहा हूँ आफ्टर मार्केट लगवा लूँ. ठीक है, और एक में कुछ में एम्बिएंट लाइटिंग भी लगवानी है अंदर. अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप इसमें सेंटर लॉक लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सेंटर लॉक आ नहीं रखा. हाँ नहीं, डब्ल्यू फोर तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा वो. ठीक है, टॉप मॉडल भी नहीं है. ओके, और जैसा कि मैंने सुना है, काफी रिसर्च करा है और लोगों से पूछा है कि जो ये महिंद्रा XUV 300 है वो काफी अंडररेटेड कार है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज में? नहीं, सच बात है, अंडररेटेड तो है. मैंने भी जब मैंने कार ली थी, अपने कजन वगैरह भी आए थे, उनको भी मैंने बोला था ड्राइव पे चलने के लिए कि आओ एक बार ड्राइव तो लेके देखो कार की. ठीक है, तो उनको भी एक सब 4 मीटर XUV लेनी थी उस टाइम पे. ठीक है, इवन दे वेंट फॉर नेक्सॉन रादर देन दिस, जबकि उन्होंने चलाई भी सब कुछ देखी भी. बाकी मैं फिर भी बोलूंगा कि नेक्सॉन वगैरह और वो चल भी रही है काफी ज्यादा, इसके मुकाबले काफी ज्यादा सेल आउट हो रही है. बट ये कार जेन्युइनली उससे काफी ज्यादा बेटर है.
इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ऑल पावर उसमें भी टर्बो इंजन आता है, इसमें भी आता है, बट बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों की पावर में। इसको आप चलाओगे तो बहुत ऐसा आपको लगता, आपको लगता नहीं कि आप इसे कैरी कर रहे हो कहीं पे कार को, इंजन अपने आप लेके चले जाता है पूरी बॉडी को आगे। जो जैसे मेरे कजन ने भी लेते हैं, ना लेने का जो रीजन दिए थे वो यही था, बड़े लोगों को जो नहीं पसंद आ रहा वो एक यही है कि उन्हें सीटिंग पोजीशन कईयों को पसंद नहीं आ रही, सबको लगता है थोड़ा नीचे इसका पूरा डैश, आजकल सबको ऐसा पूरा ऊपर की तरफ आता पूरा स्क्रीन एंड ऑल वो पूरी कवर होती है, ये थोड़ा ओल्ड फैशन सा है अंदर जो है सिस्टम। एक सीवी 500 आती थी तो उसी से थोड़ा मैच मिला के इन्होंने बनाया था। दूसरा कईयों को इसकी बैक पसंद नहीं आती, ऐसा लगता है कि स्टार्ट से कार तो पूरी शुरू करी और पीछे काट दी। आपको क्या बैक का मतलब, आपको बैक का रिव्यू क्या आपके लिए? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैक तो मुझे यूजुअली बताओ सब फोर मीटर सबकी ही ऐसी लगती है। अच्छा। एक ब्रेजा ही है जो मुझे थोड़ी कंप्लीट सी लगती है, ठीक है, बट ब्रेजा और इसमें तो फिर फर्क ही है, वो तो अलग ही काइंड ऑफ इंजन हो गया और कार होती है वो वैसे भी, ठीक है, तो उस मुकाबले में तो मुझे एक है ठीक सी लगती है, मतलब उसका इतना कुछ फर्क है लगा नहीं मुझे, क्योंकि नेक्सॉन भी देखी जाए तो नेक्सॉन भी एक तरीके की ओवल शेप ही है, बॉक्स ही नहीं सी अजीब सी है वो भी। और जो रही बात वेन्यू की, तो वेन्यू थोड़ी फिर भी डिसेंट लगती है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड ऑल, बट उसके आगे से डीआरएल और वो लाइट का जो मुझे समझ में नहीं आता, वो तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है सबकी, तो वो डिजाइन का ही बेसिक वो है। इसमें जो मार खाती है जहाँ पे वो यही है, कईयों को इसकी सीटिंग पोजीशन समझ में नहीं आती और कुछ लोगों को इसकी बैक पसंद नहीं आती, और जो रही कई कसर है वो सब कहते हैं कि इसकी बूट स्पेस कम है, जबकि मेरे हिसाब से काफी है, सफिशियंट है जितनी होती है। आप इतने रुपए में i20 भी आती है उसकी देखोगे तो उसके मुकाबले तो काफी है, इसे एज एन एसयूवी को देख रहे हो हर जगह। तो जैसे कि हमने एक XUV 300 W6 की भी वीडियो बना रखी है, तो उन भाई का भी यही कहना था कि यार नेक्सॉन से ज़्यादा पावरफुल कार ये है, क्योंकि उनने भी ट्राई करी थी नेक्सॉन, तो उनने भी यही बोला था कि यार नेक्सॉन में फीचर्स ज़्यादा है, सनरूफ मिल जाएगी इस प्राइस में, बट ये पावर नहीं मिल पाएगी चलाने पे। तो जैसा कि हमने पहले भी XUV 300 W6 की वीडियो बना रखी है, तो वो कार भी पेट्रोल में थी और ये कार भी पेट्रोल में है, तो उन भाई का भी यही कहना था जो W6 उनकी W6 वेरिएंट था पेट्रोल में, वो भी काफ़ी नेक्सॉन से काफ़ी पावरफुल उनको वो लगा था, तो जैसा भी इन भाई का भी कहना है कि ये नेक्सॉन से ज़्यादा पावरफुल लगती है इनको भी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभिषेक ने कार की पावर देख के ही कार परचेज करी है, आपका क्या कहना है? तो अभिषेक आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको ऐसा क्या लगता है जो और कारों के अंदर फीचर्स है जो इसके अंदर कहीं मिसिंग है? फीचर तो काफी, जब मैं ये कार लेने गया था उससे पहले मैंने देखी तो सारी कार थी, नेक्सॉन भी देखी थी मैंने, मैन्यू भी देखी थी, ब्रेजा भी देखी थी, ठीक है, बाकी कारों के मुकाबले ब्रेजा से तो आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा कुछ है फर्क कि भाई उसमें ऐसे फीचर होंगे इसमें नहीं, ठीक है, बाकी कार्स में है ऐसे फीचर जो जिसके वजह से मुझे लगता है कि इसकी सेल कम होती है और उनकी ज्यादा होती है। टू व्हीलर आजकल तो मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में सनरूफ आ जाता है नेक्सॉन में, बिल्कुल बिल्कुल, और अंदर जो है रियर एसी वेंट है सब में, मेन्यू में भी है नेक्सॉन में भी है, ठीक है, और रही बात उसमें टाटा का एक नाम है कि वो भाई चल रहा है तो टाटा इसमें भी चल जाती है। अच्छा। रेस्ट उसमें जो टच स्क्रीन और वहाँ का उनका प्लेसमेंट काफ़ी है, यूनिक सा है कि भाई उसमें डैशबोर्ड पर है आजकल वो चल रहे हैं, ठीक है, इसमें वही देसी तरीके से लगा होता है स्टीरियो के जैसे पहले कार में लगता था, ठीक है ठीक है, और रेस्ट उसमें जो कंसोल है अंदर जैसे इसमें एसी का और वो सब कंसोल है वो सिंपल बटन एंड ऑल है, वो भी थोड़ा उसमें जो आप देखोगे इसमें नेक्सॉन वगैरह में उसमें फिनिश काफी अच्छा दे रखा है सिल्वरी फिनिश एंड ऑल, इनमें वो नहीं मिलता, वो सारी चीजें बेसिक मिलता है, इनमें बहुत बेसिक है इस कार में, मतलब बेसिकली जैसे स्कॉर्पियो लेते थे एक टाइम पे हम 9-10 लाख 12 लाख जब आती थी उसमें ज्यादा कुछ आता नहीं था, वैसे ही है और कुछ है नहीं, महिंद्रा जैसे चीजें बनाता है, ठीक है, ऐसे कुछ फीचर लोडेड तो कार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फीचर काफी है जैसे आप टॉप मॉडल तक जाओगे तो, ठीक है, बट जो प्लेसमेंट और वो सब है स्विचेस बटन एंड ऑल वो सारे वही बेसिक लगते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंट लगता और कुछ नहीं, मतलब फीचर्स तो ऑलरेडी भी है इसमें टॉप मॉडल में जाओगे ना, बट जो प्लेसमेंट वगैरह है या स्विच क्वालिटी है या ये सारी चीजें ना डैशबोर्ड का प्लेसमेंट वगैरह यही चेंज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया अभी, ठीक है, XUV 500 से यही चलता हुआ आ रहा है इसमें, तो XUV 300 में भी उन्होंने सेम ही कॉपी कराया, ऐसा कुछ चेंज नहीं कराया था, ठीक है, तो यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आई थिंक लोग दूसरी कार्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और यूजुअली बूट स्पेस का तो इसका रहता ही है जैसे आपको लगता है बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि है नहीं। तो जैसे कि भाई ने सब बताया कि गाड़ी
अंडर रेटेड क्यों है। एक बार सबसे काफी चीज होती है यार स्पेस, हर कोई पूछता है स्पेस कितना है कार के अंदर। तो जैसा कि मेरी हाइट 6 फिट है, तो मैं एक बार अपने हिसाब से सेट करके आपको दिखाना चाहूंगा क्या है क्या नहीं है। तो ये जैसा मैंने आगे अपने पूरे हिसाब से सेट कर लिया कि मेरे आगे भी लेग रूम भी है और हेड रूम भी है, तो एक बार पीछे का स्पेस दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी का कितना स्पेस है पीछे का। तो अगर हम पीछे का स्पेस देखें तो काफी स्पेस आप देख सकते हो, मेरे को लेग रूम भी काफी मिल रहा है और हेड रूम भी काफी मिल रहा है। एंड इसका जो बेस है नीचे का काफी फ्लैट है, तो हम यहाँ 3 बंदे इजिली बैठ सकते हैं। और ये भी नहीं कि काफी जिसको बोलते हैं ना काफी टाइट स्पेस में बैठना, काफी कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम अगर हम ये महिंद्रा अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात देखें, तो एक बार आप इसका गेट बंद करने का थंब सुन सकते हैं, ध्यान से देखें। और गाड़ियों में देखा जाए तो पूरी गाड़ी बच जाती है, बट इसका हम गेट देखें तो काफी जिसको बोलते हैं ना एकदम थंब, जिसमें मजा आता है, फील आती है ड्राइवर्स को कि हमारी गाड़ी काफी सेफ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि लोगों का कहना है कि XUV 300 का बूट स्पेस काफी छोटा है, तो एक बार अभिषेक से पूछते हैं उनका क्या कहना है इस चीज को लेके। तो अभिषेक एक बार बताए, जैसे लोगों का कहना है बूट स्पेस काफी छोटा है, तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेके? बेस मॉडल से ये पूरी 40-60। तो जैसे कि लास्ट मॉडल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, हमने XUV 300 की, उसमें पार्शियल ट्रे नहीं थी, तो आप देख सकते हैं पार्शियल ट्रे लगने के बाद डिग्गी में कितनी स्पेस है और कितनी नहीं, एक बार आप देख सकते हैं इजीली। तो अभिषेक जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुछ अलग सा फीचर दे रहा है, तो आपका क्या कहना है, आपने कभी यूज करा है इसको? ये लोडिंग बे है ना, जैसे ये थोड़ा डीप है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं भाई डीप है इसका, उसके लिए है कि इसको हम आराम से इसको उठा के जो बोर्ड है ये इसमें फिट कर सकते हैं आराम से, तो लोडिंग भी थोड़ा कम हो जाता है, ग्रोसरीज वगैरह लानी हो कुछ हो तो आप इसको डायरेक्टली डाल पाओ, इतना डीप ना जाना पड़े इसमें, ये उसके लिए है ये चीज। तो ये बेस मॉडल से ही आता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आपको लगता है कि जो डिग्गी है 3-4 बंदों के लिए ठीक है, इनफ है, सफिशिएंट है छोटी ट्रिप के लिए, अगर लंबी पे जाओगे तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्प्लिटिंग द सीट, बट अगर इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो 3 लोग ही बैठ सकते हैं, वैसे बैठ 4 भी सकते हैं, बट लंबे ट्रिप पे थोड़ा परेशान हो जाएगा। तो आपका मतलब 3 बंदों के लिए तो इनफ है, आप कह सकते हैं 3 बंदों के लिए तो बहुत इनफ है, ठीक है ठीक है। तो जैसे कि हमने सारी गाड़ी के आपको बाहर से फीचर्स बताए और अभिषेक का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, एक बार उसको हम ड्राइव करते हैं एंड आपको बताते हैं गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी कैसी है, और थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू अभिषेक से गाड़ी के अंदर। XUV 300 के अंदर आ गए, एक बार उसको हम चलाते हैं एंड आपके पास शेयर करते हैं ड्राइव क्वालिटी इसकी कैसी है। तो जैसा कि अभिषेक आपने इसको चला दिया है लगभग 6,000 किलोमीटर, तो अभी तक आपकी इस कार की ड्राइव क्वालिटी लगी कैसे? ये काफी स्मूथ है, ऐसा कुछ बम्प मेजर बम्प्स फील नहीं होते, और ठीक है ज्यादा ऐसा काफी बड़ा पोर्ट होल टाइप आ गया, ठीक है, तो बात अलग है, काफी स्मूथ है। ओके ओके, तो जैसा कि आपने बताया था आप उसको ट्रिप्स में लेके गए कार को, तो इसमें उस दौरान कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? एक ट्रिप पे 2 थे, एक में 5 थे, ठीक है। तो जो आप 5 वाले जिसमें 5 लोग थे, तो आप उस टाइम कहाँ गए थे इस गाड़ी को लेके? गया था वृंदावन वगैरह गया था, बट काफी लंबा हो गया था क्योंकि पूरा जर्नी ली थी, ठीक है ठीक है, 100 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी, ठीक है ठीक है, आगे तक गए थे थोड़ा। तो जब 5 बंदे बैठे थे तो उसमें कंफर्टेबली बैठे थे कार में, तो सारे एडल्ट्स थे या बच्चे भी थे? नहीं सब एडल्ट्स थे, कोई बच्चा था ही नहीं, इजीली सब बैठे हुए थे। हाँ जी, तो किसी को ये नहीं हुआ कि थकावट या कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल, ठीक है ठीक है। और जब आप कभी जैसे इन कार को पहाड़ में लेके गए हैं, तो कभी ये हुआ कि टच हुई हो कभी नीचे या कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल भी टच नहीं हुई, उल्टा जब मैं गया था तब त्रिउन जाना था, ठीक है, कसौल जाना पड़ गया, तो रास्ता भी मैंने बहुत गलत वाला लिया था कसौली जाने का, ठीक है, तो वो जो रास्ता था वो रोड था ही नहीं बेसिकली, वो पूरा कच्चा ही रोड था ऊपर तक पहाड़ में, ठीक है ठीक है, तो वो पूरे में ही मैंने कच्चे में ही कार चलाई थी, और उसमें कुछ भी कहीं भी कहीं नीचे टच हुई हो, कहीं पावर की कमी लगी हो पहाड़ चढ़ाने में, वो 1% की भी वो नहीं थी, बिल्कुल बहुत स्मूथली चढ़ रही थी, ठीक है।
तो जैसे कि अभिषेक मैंने सुना है W4 जो अब आ रही है उसमें काफी फीचर्स हटा दिए है, जैसे आपने जब आपने गाड़ी ली थी उस टाइम के हिसाब से अभी तक काफी फीचर हट गए, तो बता सकते हैं आप क्या क्या थे फीचर्स और जो अब हट गए? सारे में हट गए बेसिकली, ऊपर तक टॉप मॉडल तक में ठीक है, कुछ कुछ फीचर कम है बस, मतलब टॉप के ही सारे सेम आ रहे हैं। W4 में एक तो ये आर्मरेस्ट नहीं आ रहा जैसे इसमें, अच्छा, ठीक है, एक पीछे का ये हेडरेस्ट नहीं आ रहा ठीक है W4 में। हाँ हाँ, और W4 में मेजर तो बेसिकली सही से बताओ तो यही है, बाकी कुछ एक आधा कोई छोटी मोटी चीज कम है तो बात अलग है ठीक है, आपको कुछ अच्छाइयां भी लगी होंगी और कुछ बुराइयां भी लगी होंगी, तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं इसमें अच्छाइयां क्या क्या लगी आपको? तो इसमें एक तो राइड कम्फर्ट बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है ठीक है, बहुत कम्फर्टेबली आप आराम से लंबे ट्रिप पे जा सकते हो, बिल्कुल एक आप इसमें लेग रूम देखोगे तो लेग रूम भी बहुत परफेक्ट है ठीक है, तो इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं आती तो लेग रूम के मामले में ठीक है, अदर देन दैट इसका ग्लव बॉक्स बहुत स्पेशियस है, इसमें आप एक लैपटॉप फिट कर सकते हो, इतना गहरा ये ठीक है ग्लव बॉक्स जो है ठीक है, अदर देन दैट इसमें आप 6 बॉटल रख सकते हो एक एक लीटर की, इसमें आगे फ्रंट में दो दो कप होल्डर है, दोनों ये बॉटल होल्डर है ठीक है ठीक है, अदर देन दैट जो बेसिक जितने भी फीचर एक आप चाहोगे ना नॉर्मल की कार में होने चाहिए वो इसमें है, अच्छा एक आधे कुछ पॉइंट छोड़ गए ठीक है, आप थोड़े एक्सपेक्ट करते हो यार ये तो थोड़े कॉमन हो रखे हैं आजकल, हाँ। होनी चाहिए चीजें ठीक है, अदर देन दैट इसमें आपको ऐसा कुछ मेजर आपको कोई रिक्वायरमेंट जो आपकी कमी ना पूरी कर रही हो ऐसा कुछ है नहीं ठीक है, स्टीरियो इज ओनली द थिंग जो है, स्टीरियो हमने बाहर से लगवाया ठीक है, एक इसमें पीछे जैसे रियर एसी वेंट नहीं है तो उसका कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें एक मैक्स एसी करके बटन से आप ऑन करते हो पीछे तक अच्छी हवा देता है ठीक है ठीक है, ये महिंद्रा में यूजुअली स्कॉर्पियो वगैरह सब में आता था तो वही कॉमन है ठीक है ठीक है, अदर दैट W4 में बेस मॉडल में ये इन्होंने दे रखा था आर्मरेस्ट तो ये बहुत अच्छा था, स्पेस भी काफी है इसमें और ये बहुत सही है कंफर्ट के हिसाब से, हालांकि अभी इन्होंने हटा दिया, ये हटाना नहीं चाहिए था, ये सही में बहुत अच्छा फीचर था ओके, तो इसके अंदर आप बुराइयां क्या क्या लगी आपको? जैसे हमने अच्छाइयां तो काफी गिरा दी, तो बुराइयां भी आपको कुछ लगी तो होगी, जैसे हमने 9 लाख खर्च करे तो आप वो बताइए कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर बुराई क्या है? बुराई में एक ही चीज थी इसमें, एक चीज मतलब जो कॉमन है वो ये कि इसका जो मटेरियल है ना थोड़ा और बेटर हो सकता था, जैसे मैंने ऑफ रोडिंग में ऐसे मैं बता रहा हूँ मैंने जब चलाई थी लॉन्ग ट्रिप पे तो उसमें चू चू की आवाज आने लगी थी डैश में से ठीक है थोड़ी सी ठीक है, मतलब ये था ये जब इतनी अच्छी 5-स्टार रेटिंग है सेफ्टी और सब कुछ है तो यार थोड़ी तो क्वालिटी अंदर से और इम्प्रूव हो सकती थी ओके, अदर देन दैट इसमें यहाँ पे फ्रंट में लाइट नहीं है अंदर, ठीक है लाइट तो होनी चाहिए 9 लाख खर्च करें लाइट इसमें पीछे है बहुत ज्यादा, हाँ, तो इसकी रोशनी आगे बिल्कुल भी नहीं आती, बस वो एक तरह से रीडिंग लाइट है कि आपको कुछ पढ़ना है या कुछ ढूंढना है, टू व्हीलर के लिए आगे काम नहीं आती ये लाइट ओके, और इसमें जो ये विंडशील्ड ये जो आगे ये है इसमें एक भी शीशा नहीं है ओके, छोटे शीशा तो कितने महंगा आ जाता, शीशा तो बेसिक तरीके से तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल हो सकते थे स्पेस दे रखे लगवाने के लिए, आफ्टर मार्केट या आपको लगवाना हो तो लगवा सकते हैं, इसमें नहीं है स्टीयरिंग पे कंट्रोल तो दे सकते थे, ये भी इतना आई डोंट थिंक सो इतना एक्सपेंसिव फीचर है, बाहर से देखा जाए तो मैक्सिमम 1500 से 3000 रुपए के आ जाते हैं, और जो बाहर से मैंने बताया था कि वो व्हील कवर तो दे सकते थे कि बिल्कुल बिल्कुल, जैसे व्हील कैप तो हाँ व्हील कैप तो अराउंड 800 या 1000 रुपीस 1200 रुपीस के अलावा कहाँ ही आने थे, बस वो थोड़ा ये डाउनग्रेड कर दिया इन्होंने कि भाई इतना पैसा फूका तो पूरी कंप्लीट ही दे देते कार में जो बाहर से लगवाना पड़ेगा, ओके तो जैसे कि 6000-7000 चल गई है तो आपकी फर्स्ट सर्विस तो हो गई होगी इस कार की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, तो महिंद्रा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ठीक था, कोई इशू नहीं था, पहली सर्विस में खुद गया था करवाने तो उसमें सच कुछ इशू आया नहीं था, सेकंड सर्विस में मैंने उनको बुलवाया था तो ड्राइवर लेके गया था तो उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया था देने में, बट वैसा और तो कोई ऐसा मेजर, लोग जैसे कहते हैं कि यार महिंद्रा की सर्विस आफ्टर सेल्स अच्छी नहीं है, काफी रुलाते चीजों को लेके या कुछ, तो आपका क्या कहना है उस चीज को लेके? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस वही एक इशू आया था कि उन्होंने डिलीवरी थोड़ी सी डिले कर दी थी, ठीक है, वो भी उसी दिन सेम डे दे दी थी, बस कुछ घंटों का डिले था, ठीक है, तो डिले था, तो उसमें आपका पैसे कितने लगे थे? सेकंड सर्विस में ज्यादा कुछ नहीं लगा था, बस वही मैंने लेबर चार्जेस वगैरह दिए थे, सेकंड भी फ्री थी इसकी, ठीक है, फर्स्ट भी फ्री थी, उसमें भी लेबर चार्जेस ही दिए थे मैंने, ठीक है ठीक है, और कोई इशू इसमें कुछ था ही नहीं दोनों के टाइम पे, आपको ऐसा सच महिंद्रा के आउटर सेल से कोई इशू नहीं है अभी तक तो नहीं है, ठीक है, तो आपका जो आप इन फ्यूचर जब गाड़ी 10,000-20,000 चल जाएगी तो आप महिंद्रा से ही करवाना चाहेंगे या बाहर से कराना चाहेंगे?
डिपेंड करता है कि हमें बिल कितना बनेगा। ठीक है ठीक है, हाँ सही बात है। बाहर से क्योंकि कंपनी कितना चार्ज कर रही है क्या नहीं कर रही, तो कंपनी ने आज तक कुछ बताया कि इन फ्यूचर 10,000 की सर्विस या 20,000 की सर्विस में उसका बिल कितना बनेगा या कुछ? ऐसा कुछ बताया नहीं। पहले फोन पे पूछो तो बता देते कि अगर इतने किलोमीटर चल चुके हैं तो अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ का खर्चा आएगा। ठीक है ठीक है। तो और तो आपको कुछ ऐसे बताया नहीं कि कितना लग सकता है कितना नहीं लग सकता? नहीं नहीं। ठीक है ठीक है। तो जैसे कि इस कार को मैं चला रहा हूँ कि ऑफ रोड ट्रैक ही चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि काफी अनइवन सी रोड है, हम जंगल के बीच के एक रोड है वहाँ चला रहे हैं, तो देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल है गाड़ी। थोड़ी सी स्टिफ है, वो स्टिफ होना भी चाहिए जिससे गाड़ी आपकी स्टेबल रहे रोड पे चलते हुए। काफी स्मूथ है गाड़ी, अगर हम देख सकते हैं मैं रेस भी नहीं दे रहा, क्लच में छोड़ रखी है गाड़ी, बहुत स्मूथली चले जा रही है दूसरे गियर में 20 की स्पीड में, कोई देखा जाए कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से काफी स्मूथ चल रही है गाड़ी, और आप चलाते हुए आपको एक कमांडिंग पोस्चर मिल रहा है कि आपको पूरा बोनट दिख रहा है, जिससे काफी इजी है गाड़ी चलाना, एंड फीमेल्स भी काफी इजीली चला सकती है, कि कभी कभी जो फीमेल्स की थोड़ी या मेल्स की भी थोड़ी हाइट छोटी होती है तो उनको थोड़ी ऐसी बड़ी गाड़ी चलाने में इशू आता है। इस कार में मेरे हिसाब से बिल्कुल इशू नहीं आएगा, क्योंकि कोने तक हम पूरा बोनट दिख सकते हैं गाड़ी का दोनों साइड, तो काफी इजी है, इजी टू ड्राइव है कार, और पेट्रोल में देखा जाए तो काफी पंची है। हम जैसे ही दूसरा गियर मारते इसमें एक्सेलरेशन देते हैं, तो इसमें एक जिसको बोलते हैं एक सेकंड का भी टर्बो लाग नहीं है, गाड़ी हर गियर में इजिली फ्लाई करती है जैसे बोलते हैं, काफी खिंचती है। और ऊपर से 6 गियर है, तो हमको ये भी नहीं है यार कि हाईवे में चलने के बाद भी 5 गियर, काफी कभी कभार लगता है यार कम लगता है कि यार 5 गियर अगर 6 होते तो काफी अच्छा है। इस गाड़ी के अंदर 6 गियर है तो काफी इजिली चलती है। तो अभिषेक एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि गाड़ी भाई एवरेज क्या देती है आपकी, तो आपको लोकल में एवरेज कितनी देती है गाड़ी? ज्यादा जैसे मैंने चलाई नहीं है, लंबी ट्रिप के लिए ही निकाली है। हाँ 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 हाँ। तो वैसे सिटी में तो 12 ही दे रही है। ठीक है। पर अभी तक गया नहीं। हाँ, अभी ज्यादा चली भी नहीं है ऐसा गाड़ी। हाईवे वगैरह कहीं आ जाता है तो 13-14 तक गई है। 13-14 ट्रिप पे गया था तो वही 14-14.5 से ऊपर नहीं, मतलब 14-15 टच हो रही थी एक टाइम पे। हाँ तो आपको लगता है कि ये 14 दिखा रही है, तो टैंक टू टैंक का भी देखा कि 14 दिखा रही है तो 14 ही आ रही है? हाँ नहीं, दिखा जितना रही है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मतलब उतना दे रही है। तो अगर हम इस गाड़ी के एक बार इंटीरियर की बात करें, तो अगर जैसा अभिषेक ने बोला कि यार मैंने 9 लाख खर्च करे हैं तभी मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं दिया, तो हाँ यार 9 लाख रुपए किसी ने खर्च करे तो यार अगर आपको क्रूज नहीं आता गाड़ी के अंदर, आप सिस्टम का कंट्रोल तो दे सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, फोन उठाने का और काटने का, और वो तो मेरे हिसाब से दे सकते हैं। और अगर हम इसके सामने क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको आरपीएम दिखता है और राइट हैंड साइड में हमको स्पीडोमीटर है, सेंटर में हमारी एमआईडी है जिसमें हमारे फ्यूल गेज है और गाड़ी का टेम्परेचर है और कितनी एवरेज और कितनी रेंज है एक्सेट्रा, ये चीजें दिखा रही है जो काफी डिसेंट है। और जो इसका कलर है रेड वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, देखा जाए तो थोड़ा एक स्पोर्टी लुक दे रहा है गाड़ी के अंदर। और अगर हम इंटीरियर देखें तो जैसे अभिषेक ने बोला ये कि बेस मॉडल में कुछ आता नहीं है, तो इन्हें आफ्टर मार्केट बट कंपनी से लगाया है सोनी का डबल डिन सिस्टम, जो काफी अच्छा है, बेसिक है बट काफी अच्छा है देखने में। ये नहीं बोल सकते यार कि अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कोई कोई होता है सिंगल डिन लगा दो तो नीचे का मतलब स्पेस खाली दिखता है आपको, एंड बीच का कंसोल देखा जाए तो जैसा अभिषेक ने बताया थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, एक्सयूवी 500 से थोड़ा इंस्पायर है, जो गोल्ड डायल को देख के बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी डिसेंट सा है, नॉर्मल सा, तो एज सच कोई फैंसी नहीं है जो हम इसमें एक्सपर्ट आपको बता सके। तो जैसे कि इस कार को मैं चला रहा हूँ इतनी देर से, तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये गाड़ी बनी उन लोगों के लिए है कि जिनको एक तो थोड़ी बल्की लुक चाहिए हो कार में, थोड़ी बड़ी लुक चाहिए हो, और देखा जाए तो जिनको थोड़ी पावर हो ना, पावरफुल कार चाहिए हो जिनको, हाँ थोड़ी यार पंची कार चाहिए, तो मेरे हिसाब से कार उनके लिए बनी है। एंड जिनको थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए और पावर भी चाहिए तो डेफिनेटली मैं उनको रिकमेंड करूंगा ये गाड़ी। एंड जिसको थोड़ी एवरेज वाली गाड़ी चाहिए माइलेज वाली, तो यार मैं बोलूंगा कि जैसे लोकल में 11-12 भी 11.5 की दिखा रही है, जैसे 11-12 की देख रही है, तो मेरे हिसाब से जिनको एवरेज को लेके चाहिए कंसर्न है तो उनके लिए कार बनी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मेरे हिसाब से देखा जाए अगर मैं ये कार लूं तो यार जैसे बंदे बोले यार CNG लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, तो मेरे हिसाब से यार देखो आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो उसमें CNG लगाओगे और इस गाड़ी की आप पावर ही पूरी यूज नहीं कर पाओगे तो गाड़ी लेना वर्थ है नहीं। तो जिनको एवरेज को कंसर्न है तो कृपया करके कार ना ले, एंड जिनको पावरफुल सेफ्टी एंड थोड़ी बल्की लुक चाहिए तो डेफिनेटली उनके लिए कार बनी है, एंड मेरी साइड से तो XUV 300 को पूरी थम्स अप है। ये था ओनरशिप रिव्यू XUV 300W4 का, तो थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए। तो इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू सो मच।